हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एस बैंक के बारे में। और एस बैंक में काफ़ी जो कॉम्प्लिकेटेड जो मैटर खड़ा हुआ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो एस बैंक के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की गई थी, एक बड़ी कंपनी है डिश टीवी, जिसके ऊपर एस बैंक ने काफ़ी बड़ा पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, उन पैसों के लिए काफ़ी इसमें काफ़ी रूमर्स चल रहे हैं, काफ़ी बातें चल रही है, क्या कुछ होगा इसमें, क्या ये फ्रॉड है। तो काफ़ी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, और क्या ये रियल है या नहीं है, क्या एस बैंक गिर सकता है फिर से, तो हम काफ़ी कुछ बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखो तो एस बैंक सस्पेक्ट सर्टेन इन्वेस्टमेंट मेड बाय डिश टीवी आर डब्ल्यूज। तो काफ़ी संदिग्ध मामला है, डब्ल्यूज़ का मतलब संदिग्ध होता है, और यहीं पे आपको क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा कि काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड है, संदिग्ध है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एस बैंक स्ट्रॉन्गली सस्पेक्ट दैट सर्टेन इन्वेस्टमेंट मेड बाय डिश टीवी आर डब्ल्यूज, CNBC टीवी हैज रिपोर्टेड। तो CNBC ने ही ये बोला है कि जो एस बैंक द्वारा इन्वेस्ट किया गया था, एस बैंक इन कंसर्न अबाउट डिश टीवी 1378 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन OTT प्लेटफॉर्म। तो एस बैंक ने जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पर इन्वेस्ट किया था, और जो ये पैसा है क्या है, सही जगह लगा है क्या, सही जगह इन्वेस्ट हुआ है, तो उसके ऊपर काफ़ी बातें चल रही है। और क्या ये फ्रॉड है, क्या पैसे किसी ने, मान लीजिए कहीं कहीं पैसे चले गए हो, किसी ने पैसे फ्रॉड करके खा लिए हो, तो ऐसी कुछ बातें चल रही है जिसके कारण एस बैंक में आज गिरावट भी देखने को मिली। तो ये काफ़ी न्यूज़ फैल सकती है, अगर ये सही रही तो ये न्यूज़ के कारण काफ़ी एस बैंक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, और एस बैंक नीचे की ओर भी जा सकता है। तो काफ़ी होने वाला है, काफ़ी कुछ होने वाला है एस बैंक में। बट उससे पहले अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो एस बैंक में क्या कुछ हो सकता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज मार्केट भी नीचे था, तो जिसके कारण एस बैंक भी नीचे था, और काफ़ी कुछ शेयर्स भी नीचे थे, तो इसका इम्पैक्ट एस बैंक पे पड़ा है या नहीं पड़ा है, उसका यहाँ पर कुछ क्लियर तो हुआ नहीं है। बट मंडे तक एक क्लियर हो जाएगा, और जो कुछ रियल है वो पता चल जाता है। बट अभी की जो बात की जाए, येस बैंक में अभी भी एक ऊपर की ओर जाने की एबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, अभी भी ऊपर जाते हुए येस बैंक हमें दिख रहा है। देखा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो येस बैंक में ब्रेकआउट यहाँ पर मिला था, इस लेवल पे आप देख सकते हो, यहाँ पर तो रिजेक्शन मिला था, इस लेवल से जो येस बैंक नीचे की ओर आता गया उसके बाद ये यहीं से ऊपर की ओर गया था। बट ये जो लेवल है जहाँ से इसे रिजेक्शन मिला है, इस लेवल से एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर इस लेवल पर सीधा गैप अप हुआ है, तो यह एक ए भी फैक्टर होता हो सकता है इसके नीचे आने का, कि काफ़ी जो स्टॉक्स हैं उनमें गैप अप ओपनिंग हुई थी, कल गैप अप हुआ था काफ़ी सारे स्टॉक, और जिनके कारण से काफ़ी स्टॉक ऊपर गए थे, बट अभी सडनली इसमें नीचे आ गए हैं और गैप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ए भी हो सकता है। तो काफ़ी कुछ बातें हैं गाइस जिसके कारण जो स्टॉक नीचे आ रहे हैं, और काफ़ी कुछ बातें खड़ी हो रही है, जैसे एस बैंक में डिश टीवी वाला मैटर आ गया, तो देखना होगा। बट एस बैंक में अगर ये इम्पैक्ट पड़ता उस न्यूज़ का, तो एस बैंक सीधा नीचे की ओर आ जाता, सीधा स्पाइक इसका नीचे की ओर आता है, और सीधा ये नीचे की ओर ब्रेकआउट दे सकता था, और सीधा स्टॉक नीचे की ओर आ सकता था। बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से जब रिजेक्शन मिला, इस लेवल से, कहाँ से आप देख सकते हो, इस लेवल से जब रिजेक्शन मिला तो स्टॉक ऊपर की ओर गया, और यहाँ पर ब्रेकआउट जैसे इसने दिया और सीधा ऊपर की ओर गया, और हो सकता है यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी नीचे तक आ गया था और अभी रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है रिट्रेसमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि एक गैप फिल भी एक कर चुका है। तो काफ़ी कुछ बातें हैं जो एस बैंक में हमें देखने को मिल रही है, बट अभी भी कुछ भी क्लियर हुआ नहीं है। बट अगर एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो एस बैंक अभी भी ऊपर जाने की इसमें एबिलिटी हमें दिख रही है, और अभी भी ऊपर जा सकता है अगर ये न्यूज़ गलत होती है। तो वही अगर बात करें आज क्या कुछ इस बैंक में हुआ है, तो 13.30 रुपये पे क्लोजिंग इसने दी है, और 1.40 रुपये स्टॉक गिरा है। वही अगर कल की बात की जाए
तो एस बैंक यहाँ पर 10 रुपये अब 95 पैसे से काफी ऊपर तक गया था, काफी ऊपर तक हायर हाइज लगाए थे, 3 रुपये तक बढ़ गया था, फिर उसके बाद तो इसमें गिरता हुआ में नजर आ रहा है। वही 1 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो एस बैंक में पॉजिटिव ही देखने को मिला है, हालांकि 6 महीने से गिरता हुआ नजर आ रहा था बट अभी तो काफी पॉजिटिव था। बट जो आज इसमें गिरावट आई है आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी भी आज काफी गिर गया लगभग 38 पॉइंट, अभी भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। दोपहर में अगर बात करें 12 से 11 बजे तक पहले तक की तो गिर गया था, और अभी बात की जाए मार्केट कैप की एस बैंक है तो 33.11 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वही अगर बात करें तो 20.75 रुपये ये स्टॉक का हाई है और जो ये तोड़ने वाला है क्योंकि ये रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हो 52 वीक की अगर लो की अगर बात करें 10.50 रुपये गिरता हुआ हमें दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं इस बैंक के क्या कुछ आज वॉल्यूम्स रहा, तो वॉल्यूम के बारे में अगर देखा जाए तो 1 वीक के वॉल्यूम देख लेते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस इसकी क्या कुछ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21.46, आप देख सकते हो 21.46% तक के इसमें प्राइस परफॉर्मेंस में हमें यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। बट वही अगर देखा जाए आगे 1 महीने का, इसके पिछले 1 महीने का तो 18.22 है, और वही अगर देखें तो पिछले 3 महीने में तो गिरता हुआ ही नज़र आ रहा था, काफ़ी कुछ लोअर लोस हमें यहाँ पर दिख रहा था, नीचे की ओर ये जाता हुआ दिख रहा था, बट अभी काफ़ी रिकवर इसने कर लिया। और वही अगर देखा जाए इसमें ट्रेड वैल्यू के बारे में अगर देख लें तो ट्रेड वैल्यू के बारे में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो लगभग 62 करोड़ के आसपास की आज तो भी बाइंग हुई है, 62 करोड़ के आसपास की तो भी आज बाइंग हमें देखने को मिल रही है। वही अगर एस्ट्रेडे की बात करें तो 105 करोड़ के आसपास का ट्रेड वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है, वही अगर 1 वीक की बात करें तो 61 करोड़ के आसपास था। तो अभी भी कुछ इसमें बिगड़ा नहीं है, बट हो सकता है कि मंडे के दिन इसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़े और जिसके कारण ये नीचे की ओर जा सके, तो अब देखना होगा गाइस इसमें क्या कुछ होता है। और वही अगर बात कर लें इसमें कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के बारे में, तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के बारे में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी भी 83% तक की बाइंग हमें देखने को मिल रही है और 11% तक की सेलिंग है और 6% तक की होल्डिंग है। तो बायर्स अभी भी इस पर हावी है और बायर्स अभी भी इसमें अपना हाथ जमा कर रखे हुए हैं, और अगर देखा जाए तो अभी भी कई लोग इसमें ख़रीदारी कर रहे होंगे, इस लेवल पर अभी भी इसमें बाइंग चल रही होंगी। और जैसे ही इसमें क्या कुछ क्लियर होता है मैं शाम को फिर से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बट अभी जो न्यूज़ आई थी मैंने उसके बारे में आपको अपडेट दे दिया है। और अगर बात करें इसमें होल्डिंग्स की तो होल्डिंग के बारे में हम देख लेंगे क्या कुछ होल्डिंग्स है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है, एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि एस बैंक में प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको नहीं दिखेंगी, यहाँ पर सिर्फ होल्डिंग है DII की, FII की और सिर्फ पब्लिक होल्डिंग है। तो अगर बात की जाए क्या कुछ होल्डिंग है FII की, तो यहाँ पर बेट्री इंडियन होल्डिंग ILLC की अगर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो 2.71% तक की होल्डिंग है। वही अमानसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की देखा जाए तो 1.20% है। और वही अगर बात करें गाइस DII की होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 13% के आसपास की होल्डिंग है दिख जाएगी आपको, और वही लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अलोंग की दिख जाएंगी 4.99%, ICICI बैंक लिमिटेड की दिख जाएंगी 3.99%, एक्सिस बैंक लिमिटेड की दिख जाएंगी 1.96% की, वही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की दिख जाएंगी 1.58%, HDFC लाइफ इंश्योरेंस की दिख जाएंगी 1.37%, बंधन बैंक की 1.20% है, IDFC फर्स्ट बैंक की दिख जाएंगी 1.15% के आसपास। वही अगर पब्लिक होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो बॉडीज कॉरपोरेट की दिख जाएंगे आपको 7.21%, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन LTD की 3.9% है। तो होल्डिंग्स के बारे में अगर देखा जाए तो इस बैंक काफ़ी ऊपर है, और हालांकि इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है बट आ सकती है प्रमोटर्स की होल्डिंग भी। और वही देखा जाए ICICI प्रूडेंशियल बैंक ETF के बारे में तो 3.06% की होल्डिंग है, और ICICI यहाँ पर निफ्टी 50 के बारे में देखा जाए तो 1.14% है, DSP के बारे में देखा जाए तो 1.14% है। तो आदित्य बिरला की दिख जाएगी, कोटक की अभी आपको होल्डिंग दिख रही है, SBI की भी दिख रही है, एक्सिस बैंक की दिख रही है, HDFC की भी दिख रही है। तो होल्डिंग के बारे में अगर देखा जाए तो इस बैंक में अभी भी काफ़ी ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस बैंक में अभी अवेयर रहना। Thank you.